पूर्व सांसद डिंपल जी हमारे साथ मौजूद हैं। डिंपल जी, आज तीसरे चरण का चुनाव हुआ, आपने भी मतदान किया, किस तरीके की जीत देख रहे हैं, कितनी सीटें देख रहे हैं तीन चरण को देखने के बाद? मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे उत्साह लोगों का और बढ़ता जाएगा। एक महिला है और आप योगी कह रहे हैं लगातार कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत मजबूत काम किया, आप किस नजरिए से देख रही हैं? मैं समझती हूँ जो समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए काम किया है, ऐसा काम नेताजी ने जितना काम किया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना काम किया है, इसी तरह काफी काम किया गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम महिलाओं के लिए और भी सुरक्षा को लेकर और सभी मुद्दों को लेकर बहुत अच्छा काम करें। कानून व्यवस्था को किस स्तर तक देख रहे हैं? मैं समझती हूँ कानून व्यवस्था का गलत परसेप्शन क्रिएट कर रही है भाजपा। कानून व्यवस्था अभी ध्वस्त है। आपने देखा होगा कि आज ही पीजीआई के केनाल में एक महिला कांस्टेबल की लाश मिली है और आगरा में भी हमने देखा है कैसे एक बच्चे को अगवा कर लिया गया, उसके लिए 25 लाख की फिरौती मांगी गई है और जो नहीं मिल पाई है तो बच्चे का भी शायद वो बच्चे को भी शायद मार दिया गया है। तो कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, ये खाली टीवी चैनलों के माध्यम से कानून व्यवस्था का हल्ला बोल कर रहे हैं। एक सवाल मेरा और की जिस तरीके से बीजेपी बनाम अखिलेश बन गया है, 36 हेलीकॉप्टर पूरे प्रदेश देश के उनके मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश का नेतृत्व लगा हुआ, जनता अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है इस समय, मेरा ये मानना है। थैंक यू। आप कब तक निकलेंगे? नेक्स्ट चरण में। शुक्रिया उनसे बात करने के लिए। डिंपल जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो है जनता अखिलेश जी के साथ खड़ी हुई है और उन्हें पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। कैमरा पर्सन शिव मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, सैफई। किस तरीके से अपनी देख रही है?